रहीम, हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और इस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का हमारे पास ये थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशन ऑपरेटर। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस प्रीवियस वीडियो को इस एक सीक्वेंस में देख लें ताकि सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ सकें। मैंने अपनी प्रीवियस टू वीडियोज़ के अंदर आपको रिफ्लेक्शन ऑपरेटर और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑपरेटर को डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और उनकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होती है ये मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रोटेशन ऑपरेटर। तो रोटेशन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ गलतियां करते हैं, तो मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आप नोट करें तो मैंने यहां पर अभी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई ग्रिड नहीं बनाई है, उसका हम एंड में देखते हैं, लेकिन इसकी जो मैथमेटिक्स है हम वो पहले परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, एन ऑपरेटर रोटेट्स ईच वेक्टर इन आर टू। सपोज कीजिए कि टू डायमेंशन में एक वेक्टर है, उसको ये रोटेट करता है थ्रू अ फिक्स्ड एंगल थीटा कॉल्ड रोटेशनल ऑपरेटर। बहुत ध्यान से आपने इस पॉइंट को समझना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक आर टू प्लेन के अंदर कोई वेक्टर है जिसको किसी एंगल थीटा से रोटेट किया जाता है। तो अब आप हमने ये सीखना है कि उसकी मैथमेटिक्स क्या होती है और उसकी मैट्रिक्स कैसे बनती है, फिर हम उसको फाइनली ग्रिड के फॉर्म में लिख लेंगे जैसे कि मैं आपके सामने पहले भी लिखता रहा हूं। तो पहला तो काम ये करते हैं कि हम ज़रा जल्दी से अपने एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको आप डिटेल से बता रहा हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास बन गई हैं एक्स एक्सेस, और ये है आपके पास सपोज़ वाई एक्सेस। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिए। अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, और ये बन गया सपोज़ कीजिए मेरे पास एक ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है जी, और ये मेरे पास पहले मैं एक रोटेटेड वेक्टर भी बना लेता हूँ, और ये जो वेक्टर है ये मेरे पास सपोज़ कीजिए एक आ गया है रोटेटेड वेक्टर। ठीक है, अब ज़रा जल्दी से इसकी लेबलिंग कर लेते हैं कि ये जो है आपके पास एक्स एक्सेस है। ठीक है जी, ये है आपके पास वाई एक्सेस। एक्चुअली हमें एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही मैथमेटिक्स परफॉर्म करना ज़्यादा सबसे सिंपल लगता है, तो हमने इसको इस तरह लिखा है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये जो वेक्टर है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम सपोज कर रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो ट्रांसफॉर्म वेक्टर है ये क्या होगा, ये बेसिकली टी ऑफ एक्स होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सपोज कर रहे हैं कि वो W है, और हम ये कह रहे हैं कि वो है बेसिकली, बल्कि मैं इसको W टी ऑफ एक्स, यानी सिंपली मैं इसको लिख रहा हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे W1, W, यानी ये रोटेट होने के बाद। अच्छा जी, एक बात और ध्यान में रखें कि जो इनिशियली आपके पास वेक्टर, आपके पास जो इनिशियल वेक्टर मौजूद है वो इनिशियल एंगल फाई पर मौजूद है। ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि वो ऑन एक्स एक्सिस भी है, लेकिन समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इनिशियली ये वेक्टर फाई पर खड़ा हुआ है, फिर आप क्या करते हैं कि इस वेक्टर को रोटेट करते हैं किस एंगल से, अभी आपको यहाँ पर बताया है किस एंगल से आप इसको रोटेट करते हैं, थ्रू एंगल थीटा से आप इसको रोटेट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर रोटेट कर दिया, ये मैंने पर्पल से ही बना दिया ताकि आपको पता लगे कि हमने इस वेक्टर को जो है एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि बेसिकली जो W1 और W2 है आफ्टर रोटेशन ये क्या रिजल्ट देगा आपके पास। तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा, अगर आप नोट करें तो ये आपके पास, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं बेसिकली ये जो आपके पास वेक्टर है इस वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक पॉइंट मैं और शायद मिस कर रहा हूँ, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इस वेक्टर की लेंथ आर है। और अगर आपसे पूछता हूँ कि जो पर्पल वाला वेक्टर है इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो ऑफकोर्स के वेक्टर की लेंथ में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो वेक्टर की लेंथ तो आपके पास सेम ही रहेगी। ठीक है जी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्मॉल r, तो वेक्टर की लेंथ तो में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैं अगर इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहूँ तो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ा है। तो वेक्टर को अगर रिजॉल्व करना हो तो सिंपली हमें करना क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, एक ऑर्थोगोनल ड्रॉप। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये एक वेक्टर दो पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, और ये बेसिकली आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की सूरत में फॉर्म हो गया। ठीक है जी, अब ये इसका एंगल है थीटा, और ये बन गया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल।
अच्छा जी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो x पार्ट है ये कितना होगा, ऑफ कोर्स कि ये x पार्ट इस x के इक्वल होगा, तो ये बनेगा आपके पास x, और इसका ये जो y पार्ट है ये क्या होगा, ऑफ कोर्स ये y के इक्वल होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम अप्लाई करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सपोज़ कीजिए कि मैं इसको भी जो है ये सपोज़ कर एक ट्राइंगल के लिए इसके कोऑर्डिनेट सपोज़ ही कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए। सपोज़ कीजिए कि ये O है, और सपोज़ कीजिए कि ये हो गया A, और सपोज़ कीजिए कि ये हो गया B, ठीक है जी। तो मैं कौन सा ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, कंसिडर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ ए एन बी, और हम यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताएं कि साइन फाई किसके इक्वल होगा। तो साइन फाई यानी साइन का जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला होता है ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अंदर यानी इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी वाई के इक्वल है, ये बन जाएगा आपके पास वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेसिकली, ये हो जाएगी इसकी लेंथ यानी आर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूछता हूँ कि y की वैल्यू क्या है, तो ये बराबर होती है r sin phi। और अगर आपने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी है तो ये इस तरह की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला काम आप पहले भी करते रहे। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि cos phi क्या होगा, तो cos phi इक्वल होता है बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस प्रॉब्लम के अंदर बेस क्या होगा, बेस होगा x, बेस बन जाएगा x, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होगा, वो हाइपोटेन्यूज होगा आपके पास r, हाइपोटेन्यूज होगा आर, राइट, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर इक्वल हो जाएगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा आर एन कॉस फाई, ठीक है। तो इनकेस अगर आपने जो है वो थोड़ी सी भी अगर आपने फिजिक्स की चीज़ें सीखी हुई हैं तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, यानी इन फ्यूचर में जो है वो x के साथ लिखने वाला हूँ r cos phi एंड y के साथ r sin। तो बार बार मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं अप्लाई करूँगा, तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है। अब ज़रा जल्दी से हम ये करते हैं कि अपनी दूसरी ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी ट्राइंगल हमारी ये बन गई एक तरह से, अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगल। अब ज़रा ध्यान से अब आपने देखना है, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो है वो हम ये ओ है, इसको हम ओ रखते हैं, इसको हम करते हैं पी, इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी, ये बन जाएगा आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पी, ठीक है जी। ये पॉइंट पी है, ओ ओ ओ, ये बेसिकली ये तो लाइन ही गायब हो गई है, एक सेकेंड अब आप मुझे और दे दें जी, ये एक सेकेंड आपने मुझे दे दिया, ये हो गया आपके पास एक और लाइन आ गई, ठीक है। इसको पी का नाम देते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अब चूंकि इसका काम ख़त्म हो गया तो इसको फ़िलहाल यहाँ पर हम रिमूव कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना करें, ये पॉइंट हम क्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं ताकि ये अभी हमें कन्फ्यूज़ ना करें। अब आपने फोकस करना है इस ट्राइंगल की तरफ, यानी ओ पी क्यू की ट्राइंगल पर फोकस करना है। तो अब आपने मुझे बताना है कि ओ पी क्यू का क्या रिज़ल्ट होगा। तो अब आप यहीं पर देखें, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसिडर ट्राइंगल ओ पी क्यू, और ओ पी क्यू के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला पार्ट क्या होगा, तो ऑफ कोर्स कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास, मैं इसको पर्पल कलर से लिखता हूँ, ये होगा W1, ठीक है जी, क्योंकि इसका x W1 पार्ट है, तो ये यहाँ तक W1 होगा, इसका मतलब ये वेक्टर इस तरह, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, ये ऑफ कोर्स इसका y पार्ट यानी W2 के इक्वल होगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि आप इस x1 के साथ क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, r जो है चूँकि इसका लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ भी r है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कि आप इसमें जो y यानी w1 है, w1 वो आप लिख सकते हैं क्योंकि x है, तो आप इसको लिख सकते हैं r cos थीटा। अब यहाँ पर एक्चुअली थीटा क्या होगा, अगर आप इस बड़ी वाली ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का थीटा बात करें, तो थीटा है बेसिकली थीटा प्लस फाई, ठीक है नहीं, तो ये बनेगा फाइव प्लस थीटा और थीटा प्लस फाइव, जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा है कि W2 क्या होगा, तो आप यकीनन यही कहेंगे कि इसका जो W2 है वो बराबर होगा R साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, यानी इस W1 को फाइंड आउट करने के लिए इस बड़ी वाली ट्राइंगल के ऊपर आपने कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाया, और W2 फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल के ऊपर यानी OPQQ के ऊपर आपने साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाया, तो सही रिजल्ट बन गया। अच्छा जी, अब ज़रा देखें, इसी रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ,
कि ये जो W1 है आपके पास, इसको लिख सकते हैं R, और यहाँ पर ये देखें cos alpha plus beta का फार्मूला लग रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं cos alpha cos beta, अच्छा R फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस R, इसको आप लिख सकते हैं sin theta and sin phi, cos alpha cos beta sin theta, ठीक है जी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो R cos phi है ये क्या है। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो हमने पहले से बताया है कि जो R cos phi है ये बेसिकली x के इक्वल है, और इसी तरीके से R sin phi क्या है, हमने पहले से बताया है कि R sin phi y के इक्वल है। तो जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बन गई वो क्या बन गई, वो बन गई आपके पास x cos theta, राइट, और फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा माइनस x sin theta। इसी तरीके से अब आप मुझे बताएं कि W2 क्या होगा आपके पास, यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है तो W2 को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर sin alpha plus beta का फार्मूला लगा दें, तो ये बन जाएगा R sin alpha यानी sin theta sin alpha cos beta, फिर प्लस R एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा आपके पास क्या cos theta एंड sin phi। अगर यहाँ पर भी आप नोट करें तो ये जो R cos phi है ये R cos phi x के इक्वल होगा, और यहाँ जो R sin phi है ये y के इक्वल होगा। तो फाइनली अगर आप लिखना चाहें तो W2 को आप कैसे लिख सकते हैं, W2 आपके पास बन जाएगा जी जनाब, क्या बनेगा, ये बन जाएगा R cos phi, और R cos phi इक्वल है x x sin theta, और ये आपके पास बन जाएगा y cos theta, ठीक है जी। तो ज़रा आप आपने ये जो मैं स्टैटिक बना रहा हूँ उसको ज़रा आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पर आपने इनपुट रखा थीटा, थीटा को अब आपने यहाँ पर सॉरी थीटा आपने वो बता दिया कि आप वेक्टर जो इनिशियल वेक्टर है जो x कॉमा वाई है आपके पास उसमें जो है वो, अच्छा ये मैंने एक छोटी सी चीज़ मेरा ख्याल है मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर ये जो r साइन फाई है ये y के इक्वल होता है, ये मैंने x लिख दिया यहाँ पर गलती से, अच्छी चीज़ है कि मुझे अभी नज़र आ गई, ये बनेगा वाई, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो आप यहाँ पर थीटा डाल दें कि किस एंगल से आप उस वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ पर इनपुट कोऑर्डिनेट्स अगर डाल दें एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो यहाँ से आप अपनी मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। तो W1 W2 के लिए मैट्रिक्स क्या बनेगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इसे हम कहते हैं रोटेशन। और आपको उम्मीद है कि ये वाली रोटेशन का जो पार्ट है ये के 2D के ऊपर रोटेशन किस तरीके से परफॉर्म की जाती है ये आपको समझ आ गई होगी। तो ज़रा चलें इसको हम फिर यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं ये याद रखिएगा आप, हम यहाँ पर कर रहे हैं रोटेशन, रोटेशन थ्रू थ्रू एंगल एंड एंगल थीटा से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ये डायग्राम मैं पहले भी बना चुका हूँ लेकिन चूंकि इसकी मैथमेटिक्स समझानी थी तो मैंने आपको बनाया, चले मैं इसको रीमेक करता हूँ कि ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्टर है और ये बना मेरा पास रोटेटेड वैक्टर, ठीक है। ज़रा जल्दी से इनकी लेबलिंग कर लेते हैं कि ये जो है आपके पास इनिशियल एंगल फाई पर है, और इसी तरीके से ये जो आपके पास है इसको जब आप रोटेट करते हैं किस एंगल थीटा से आप इसको रोटेट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर वैसे मेंशन कर तो दिए हैं लेकिन चलें ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है ऐसे कर कर, ये डॉटेड लाइन भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो जो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स कॉमा वाई, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पर्पल वाला वेक्टर है रोटेट होने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, फॉर एग्ज़ाम्पल डब्ल्यू वन कॉमा डब्ल्यू टू, ठीक है जी। तो फाइनली अब आपने मुझे बताना है कि इसका क्या रिजल्ट बना। तो मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया कि ये जो डब्ल्यू वन है ये किसके इक्वल है, ये देखिए इसको देखिए इसको देखिए, तो डब्ल्यू वन क्या होगा आपके पास एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और ये जो W2 है आपके पास ये किसके इक्वल है, ये इक्वल आपके पास x sin theta प्लस y cos theta। अब फाइनली आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है, तो ज़रा जल्दी से अपनी एक मैट्रिक्स हम जनरेट कर लेते हैं। ये बन गई है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है जी, ये बन गई आपके पास मैट्रिक्स। अब आपने यहाँ पर मुझे बताना है कि क्या रिजल्ट लिखने वाले हैं यहाँ पर, अब आप बहुत सिंपल है, देखिए cos theta माइनस sin theta, आप इसे लिखेंगे cos theta माइनस sin theta, यहाँ लिखने वाले हैं आप sin theta, और ये आ जाएगा cos theta।
तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स किसी एंगल थीटा के ऊपर आपको रोटेशन का रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास टू डायमेंशन के अंदर रोटेशन मैट्रिक्स समझ बन गए। तो उम्मीद है कि ये जो मैथमेटिकल वर्क है आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल वाला पार्ट है वो हम बाद में देखते हैं, बट सारी चीज़ों को यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये टू डायमेंशन समझ आ गई होगी। तो चलें हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रोटेशन देखते हैं थ्री डायमेंशंस के अंदर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अक्सर लोग जब थ्री डायमेंशन के अंदर रोटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोटेशन करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि ये रोटेशन के लिए अब आपने एक रूल याद रखी है, वो रूल है बेसिकली आपके पास एक तरह से राइट हैंड रूल। उसमें क्या बात होती है ज़रा मैं आपको बताऊं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक कॉपी बना लें और एक और कॉपी हम बना लेते हैं इसकी। इसको ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझा सकें। ठीक है जी, अब यहाँ पर ज़रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ज़रा नोट कीजिएगा कि जिस एंगल के अब या तो आप एक काम तो ये हो सकता है कि या तो आप इस एक्सिस को जो है वो फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल इसे एक्स कर लें, इसे वाई कर लें, इसे जी कर लें, एक्स वाई जी। तो होगा ये कि जब आप रोटेट कर रहे होंगे तो आपकी मैथमेटिक्स यहाँ भी परफॉर्म होगी, आपको यहाँ पर भी मैथमेटिक्स परफॉर्म करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर भी मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स पर फोकस किया है कि जब हम हमारे लिए सबसे सिंपल मैथमेटिक्स कौन सी होती है कि जब हम इस वाले प्लेन पर बात कर रहे होते हैं ना, तो इस वाले प्लेन के ऊपर मैथ जनरेट करना हमारे लिए आसान होता है। तो जब चूंकि इस वाले प्लेन के ऊपर मैथ करना हमारे लिए आसान होता है तो मैंने इसको क्या किया कि हम अपने जो एक्सेस हैं उसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी हम अपने एक्सेस को फिक्स नहीं करेंगे। तो अगर आप ये वाली लॉजिक याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए काम। अब इसको कैसे फिक्स करें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब मैं रोटेट कर रहा हूँगा इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट एक्स एक्सेस के लिए, तो अब आपने करना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है कि जो एक्स एक्सेस वाला पार्ट है उसको तो आपने यहाँ पर प्लेस कर देना, यानी इसको जो है वो आपने बना लेनी है अपनी एक्स एक्सिस। ये बना आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप जब इस पर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, देखें ये है काउंटर क्लॉकवाइज, इसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। तो काउंटर क्लॉकवाइज आपने मूवमेंट करनी है, तो जब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास वाई और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जी। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो रोटेट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट वाई एक्सिस, तो कैसे अरेंजमेंट करनी चाहिए, करने से आपका काम ज़्यादा आसान हो सकता है जी। कैसे, तो इसका रूल क्या बताया कि इसको तो आप रख लें वाई, अब आप जब वाई को राइट हैंड इसको इस तरह रोटेट करेंगे अबाउट एक्स एक्स काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज जब आप इसको रोटेट करेंगे तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है वो क्या जनरेट होगा, यानी किस तरीके से आएगा, क्या आना चाहिए। ये वाई है, तो चूँकि एक्स वाई जी साइक्लिक ही होते हैं एक तरह से, तो यहाँ पर वाई के बाद फिर आना चाहिए जी। तो अगर हम इसको z मान लें और ये तो यकीनन हमारे पास फिर x हो जाएगा, तो अगर हम इस पे काम करते हैं तो ऑफ़ कोर्स कि यहाँ पर मैथमेटिक्स रहेगी, यहाँ से फार्मूला जनरेट होगा, और यहाँ पर भी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल z की बात करते हैं तो इसको हम करते हैं z कर लेते हैं, और जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो z के बाद हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए x, इसका मतलब हो गया y। तो इसका शॉर्टकट में बात अगर आपसे कहूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं रोटेशन की बात करूंगा थ्रू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैं इसको सपोज कर लूँगा, यानी जो मेरे एक्सिस की ओरिएंटेशन है अगर मैं उसको इस तरीके से रख लूँ तो मेरे लिए जो मैथ परफॉर्म करना है वो इजी होगा, जैसे मैं भी आपको सिखाता हूँ। और इसी तरीके से जब मैं रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस कर रहा हूँगा तो मैं अपनी एक्सिस की ओरिएंटेशन को अगर वाई जी और एक्स वाले फॉर्म में रखता हूँ तो इसलिए मैथ परफॉर्म करना आसान होगा क्योंकि ये मैथ यहाँ परफॉर्म होगी। और इसी तरीके से जब मैं इसको रोटेट करता हूँ अबाउट जी, और अगर मैं एक्सिस की रोटेशन जो है वो जी एक्स और वाई रखता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर मैथ जनरेट होगी और फार्मूला जो है यानी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स परफॉर्म करनी है वो यहाँ पर परफॉर्म होगी और काम मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो अपने मैट्रिक्स की ओरिएंटेशन को अगर आप इस तरह रखेंगे तो काम आपका इजी होगा। तो चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोटेशन अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो पहला काम ये करते हैं कि ज़रा जल्दी से हम जो है अपने एक्सिस बना लेते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो एक्स एक्सिस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने ये बना लिया आपके पास, ये आपके पास, इसको जो है वो मैं जी, तो पहले तो अपना कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं, ये एक्सिस बना लेते हैं, ये बन गया आपके पास, एक ये बन गया आपके पास और एक आपके पास ये। ठीक है जी,
तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सेट हो गए, इनको नाम कर देते हैं, ये हो जाएगा x, हमने नाम दिया हुआ है, इसको हमने रखना होगा y और इसको हमने रखना होगा z, ठीक है जी। अब हम अपना ओरिजिनल वेक्टर बनाते हैं, और वो ओरिजिनल वेक्टर हमने क्या बनाना है जी, तो ये आ गया है आपके पास। बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखना है ताकि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक आपसे नहीं हो, वरना आप मिस्टेक कर देंगे। ये है आपके पास ओरिजिनल वेक्टर, और इस वेक्टर को जब आप रोटेट करते हैं कहाँ पर, अबाउट एक्स एक्सिस। तो अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन का क्या मतलब होगा कि ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को ऐसे कर कर आप इसको रोटेट करते हैं, ठीक है जी। ये जो वेक्टर आपके पास नज़र आ रहा है ये वेक्टर अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट होगा, तो अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन का मतलब ये है कि इसमें एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आएगी, और जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वेक्टर आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है जी। मैं इसको यहीं पर बना लेता हूँ ताकि ये बात आपको समझ आ जाए, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो जब आप यूँ समझ लें कि इसको इंट्यूटिवली अगर आप देखें तो ये ऐसे ही रोटेशन परफॉर्म हो रही है कि यहाँ पर ये जो इन दोनों वैक्टर से मिलकर, मिसाल के तौर पर ये जो दोनों वैक्टर्स हैं, ये दोनों वैक्टर ऐसे कर कर, यानी इसको हमने ऐसे रोटेट किया, तो ये ऐसे अबाउट एक्स एक्सिस जो है वो रोटेशन हो रही है, ठीक है जी। तो इस एरो साइन से आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। यानी ये है आपके पास एक्स वेक्टर और ये है आपके पास टी ऑफ एक्स, हम रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अब इसका फ़ायदा ये है कि हमेशा हमेशा आपने जो है वो यहाँ पर मैथ जो जनरेट होगी वो यहाँ पर जनरेट होगी। अच्छा जी, इस बात को नोट कीजिए कि जब आप रोटेट कर रहे होते हैं जिस एक्सिस के अबाउट, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पर जब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो देखें एक्स और वाई तो चेंज होंगे इसके अंदर, बट ये जो एक्स वाला पार्ट, सॉरी वाई और जी तो चेंज होंगे बट एक्स वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब इस बात को ज़रा डिटेल से देखिए कि मिसाल के तौर पर जो हमारे पास इनिशियल एंगल है वो कौन सा है, जैसे कि मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, वो है फाई। और ये जो हमारे, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स इनिशियल कौन से होंगे, ऑफ कोर्स वाई और जेड आपके पास मौजूद हैं, तो अच्छा जी ये हो जाएंगे 3D की बात करें तो बेसिकली एक्स वाई एंड जी होंगे, ठीक है जी। अब आपने मुझे बताना है कि इसके ये जो कोऑर्डिनेट है, जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है, उसको आप ज़रा ध्यान में रखें कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और उसको कैसे लिखना होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। चलें, इनिशियली तो आप लिखेंगे W1, W2 एंड W3, यानी आप यूँ कह लें कि एक्स वाई जी के जो कॉरस्पॉन्डिंग है जो कोऑर्डिनेट है वो है W1, W2 एंड W3, ठीक है। फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने वही काम करना है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको 2D के अंदर समझाया था कि 2D के अंदर आपने ये आपने एक इस तरह वेक्टर को रिजॉल्व करना है, और यहाँ पर भी आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। ये दोनों को पहले ही मैंने ड्रॉ कर लिया आपके लिए, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वेक्टर है ये वेक्टर, तो इस तरीके से मैथमेटिक्स बहुत सिंपल हो जाती है, ज़रा इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब चलें इसकी मैथ हम परफॉर्म करते हैं कि हम ये जो वेक्टर है आपके पास, इसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट ऐसे कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में तो कोई चेंजेस नहीं आ रही, जबकि एक्स वाले पार्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आ रही, लेकिन वाई और जी वाले पार्ट में चेंजेस आ रही होंगी, वो चेंजेस क्या है और कितनी है उसको निकालते हैं जी। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मरतबा आपने इसको एक्स नहीं लेना, अब ये एक्सेस है वाई और जी के लिए, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है आपके पास, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपके पास वाई, क्योंकि ये वाई बेसिकली एक्स की जगह पर मिल रहा है, और ये है जी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, जी होगा। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले, और ये जो इनकी जो लेंथ है मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपने याद रखना है कि इनकी लेंथ आर के इक्वल है। अब ये चूंकि x की जगह पर है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि y किसके इक्वल होगा, x वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ आता है cos phi, ठीक है। और इसका जो z वाली वैल्यू है, चूंकि वो y की जगह पर है, तो इसके साथ लिखना होता है आपने r sin phi, ठीक है। यानी हर मरतबा आपने ये याद रखना है कि y और ये कन्फर्म, ये फिक्स नहीं है कि हर मरतबा यहाँ पर x और y आएगा, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस यूज़ हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी x होगा, जो भी x की जगह पर होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, जो भी y की जगह पर होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अब चूंकि ये y है, तो y के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है, W2, तो इसका मतलब है कि ये आपने W2 के लिए लिखना है। अब आप इसको हम W1 के लिए नहीं लिख दीजिएगा, ये किसके इक्वल होगा, r cos थीटा प्लस फाई। और इसी तरीके से ये जो W3 है z के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इक्वल होगा r sin थीटा प्लस फाई, जैसे कि मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है जी। इस पर ज़रा जल्दी से हम फार्मूला लगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो W2 है आपके पास किसके इक्वल होगा, r cos थीटा cos फाई माइनस r sin थीटा sin फाई। और इसी तरीके से W3 को भी इसी इधर ही कर लेते हैं, ये होगा r sin थीटा cos फाई प्लस r
कॉस थीटा एंड साइन फाई, ठीक है जी। अब आपने मुझे यहाँ पर ये कंफर्म करना है कि जो आर कॉस फाई है ये किसके इक्वल है। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ये हमेशा एक्स के बराबर नहीं होगा, ये जो आर कॉस फाई है ये वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जो डब्ल्यू टू है ये इक्वल हो जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस, और यहाँ पर आर साइन फाई किसके इक्वल है, आर साइन फाई जी के इक्वल है, तो ये बन जाएगा जी साइन थीटा। इसी तरीके से डब्ल्यू थ्री आप मुझे बता दें कि डब्ल्यू थ्री क्या होगा आपके पास, तो डब्ल्यू थ्री बनेगा आर कॉस फाई, और ये जो आर कॉस फाई है या वाई के इक्वल है, तो ये बन जाएगा आपके पास वाई साइन थीटा प्लस, यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है आर साइन फाई, और ये जो आर साइन फाई है ये जी के इक्वल है, तो ये बन जाएगा आपके पास जी कॉस थीटा, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है। अब आप अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मैट्रिक्स आप कैसे लिखेंगे, तो चलें जी मैं मैट्रिक्स लिख कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैट्रिक्स इस तरह लिखी जाएगी W1, W2 एंड W3, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये मुझे बताएं कि W1 क्या होगा। तो बात बहुत सिंपल है, क्योंकि x में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है W1 x के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कि यहाँ पर W1 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो W1 के x होने का मतलब ये है कि आपके पास x पार्ट यहाँ पर है, यानी 1 आपके पास हो जाएगा, बाकी नंबर 0 और 0 होंगे, ठीक है। अब अगर आप W2 की बात करते हैं तो इसमें x पार्ट कोई नहीं है, तो इसका जो x पार्ट है वो तो बेसिकली 0 हो जाएगा, और ये जो y पार्ट है ये बन जाएगा आपके पास cos थीटा, cos थीटा, और z पार्ट बन जाएगा आपके पास माइनस sin थीटा। और इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, y बन जाएगा आपके पास sin थीटा, और यहाँ पर ये आ जाएगा cos थीटा, ये बन गई आपकी ब्रैकेट। और यहाँ पर आप अपने ओल्ड कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x एंड y, सॉरी x y एंड z। तो ये बेसिकली आपके पास बनेगी मैट्रिक्स फॉर्म, और ये हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो अबाउट x एक्सिस की जब हम बात करते हैं, तो उसको याद रखने का आसान तरीका है कि इसमें आप फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को इस तरह अरेंज कर लें कि 100 100 बन जाए, और यहाँ पर ये जो 2x2 की मैट्रिक्स आपने फॉर्म की थी वो यहाँ पर आपने लिखनी होती है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बस इस साइन को आपने अच्छे तरीके से देखना है कि ये माइनस के साइन कहाँ पर आ रही है। तो उम्मीद है कि ये वाली मैथमेटिक्स समझ आ गई होगी। तो चलें इसको हम एंड में आखिर में कहीं और लिखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव जी एक्सेस से जो है वो अपने पॉजिटिव जी एक्सेस से अगर हम रोटेट करते हैं थ्रू एंगल थीटा, तो क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं यहाँ पर जो रूल अभी आपको सिखाया था, उस रूल के अकॉर्डिंग पहले तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट करते हैं। ये बना हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा जी, रूल क्या बताया था आपको, रूल ये बताया था कि जिस एक्सेस के अबाउट आपने रोटेट करना है उसको तो आपने यहाँ पर रखना होगा। अब आप जब, ये बहुत आसान रूल है ना, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि वाई के बाद जी आता है और यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स, ठीक हो गया। देख लीजिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखिए वाई जी एन एक्स, तो ये बन जाए आपके वाई जी एन एक्स। अब आप बना लें यहाँ पर अपना ओरिजिनल वैक्टर, तो ये बना आपका ओरिजिनल वैक्टर, पहले मैं वैक्टर्स बना लूँ यहाँ पर जी, तो ये बन गया आपका ओरिजिनल वैक्टर, ठीक है। और इसी तरीके से आपका दूसरा बन गया रोटेटेड वेक्टर, ये वेक्टर आपको। अब आप एक बात अगर नोट करें तो यहाँ पर जो है वो हमेशा यही प्लेन यूज़ हो रहा है अपनी मैथमेटिक्स को परफॉर्म करने के लिए। अब आप क्या करें कि जी एक्सिस के बाद उसे रोटेट करें, तो हमेशा रोटेशन यहीं पर होगी और हमेशा मैथमेटिक्स यहीं जनरेट होगी। तो अब आप ज़रा जल्दी से मुझे बताएं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी जनाब। तो हाँ जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z। और यहाँ पर ये जो पर्पल वाला जो वेक्टर है रोटेटेड, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे w1, w2, w3, ये आपके पास रोटेटेड। अच्छा जी, ये वाली जो रोटेशन है ये किस एंगल पर हो रही है, ये बता दिया आपको एंगल थीटा पर। और ये जो इनिशियल ये आपका वेक्टर खड़ा है ये किस वेक्टर पर, ये किस एंगल पर खड़ा है, ये एंगल फाई पर खड़ा है, ऐसे करके, ठीक है जी। तो इस डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं। वैसे तो मैं आपको ये बता चुका हूँ रूल, तो आपको समझ आ गया होगा, एक मैट्रिक्स यहाँ बनेगी, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगा। अच्छा जी, अब अगेन यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ऑफ कोर्स आप z और x प्लेन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी z एक्सिस, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास ये टेक्निकली z के इक्वल होगा, ये डिस्टेंस z होगा। और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये चूंकि x है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगा। तो ये आपने गलती नहीं करनी है।
तो अब आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करें, चूँकि ये एक्स की जगह है तो ये जगह जी आ जाएगा, ये जो कि एक्स की जगह था, तो इसे लिखना होगा आर कॉस फाई। और इसी तरीके से वाई की जगह पर चूँकि एक्स खड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा एक्स आर साइन फाई। इसी तरीके से अब ये जो जी है, ये जो इसका क्रॉसपॉन्डिंग नंबर है वो डब्ल्यू थ्री होता है एक्चुअली, तो अब आपने यहाँ पर लिखना होगा डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये बनेगा आर कॉस थीटा प्लस फाई। और इसी तरीके से एक्स का जो क्रॉसपॉन्डिंग नंबर है वो डब्ल्यू वन है, जो इक्वल होगा आपके पास आर साइन थीटा प्लस फाई। तो ज़रा जल्दी से इसकी मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये जो डब्ल्यू थ्री है आपके पास, ये इक्वल होगा आर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस आर आर साइन थीटा साइन फाई। और इसी तरीके से ये जो डब्ल्यू वन है आपके पास, ये इक्वल होगा आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई। तो आप इस वीडियो को पॉज कर आप खुद रिजल्ट निकालें, तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। अब ये चेक करें कि जो आर यहाँ ये जो आर कॉस फाई है, ये आर कॉस फाई जी के इक्वल है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है आपने। तो डब्ल्यू थ्री की जगह आप लिख सकते हैं, ये बन जाएगा जी कॉस थीटा। और ये जो आर आर साइन फाई है, आर साइन फाई जो है वो एक्स के इक्वल है, तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा। सिमिलरली ये जो डब्ल्यू वन है आपके पास, ये डब्ल्यू वन किसके इक्वल होगा, ये है आपके पास आर कॉस फाई, तो आर कॉस फाई की जगह पर आपने जी लिखना होगा, ये बन जाएगा आपके पास जी साइन थीटा। एंड प्लस यहाँ जो आर साइन फाई है, ये एक्स के इक्वल है, ये बन जाएगा एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डब्ल्यू टू नहीं दिख रहा, तो ऑफ कोर्स डब्ल्यू टू इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि डब्ल्यू टू में तो कोई चेंजेस आ नहीं रही है, तो इस तरह रोटेट हो रहा है। तो चूँकि डब्ल्यू टू में कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो डब्ल्यू टू को तो आप सिंपली लिखने वाले हैं यहाँ पर वाई, ठीक है। और फाइनली अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताएं कि इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो इसकी मैट्रिक्स भी लिखना बहुत आसान है अब आपके लिए। अगर आप इक्वेशन यानी ये बन जाएगा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू थ्री, ठीक है जी, एंड देन आपने एक मैट्रिक्स बनाई यहाँ पर, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, इसको भी हम इस तरह बनाते हैं, ज़रा अच्छा काम हो जाता है। तो फिर इसमें ये कि काफ़ी लोग हैं जो व्यू करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो उन सब के लिए हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है जी। तो W1 अब आपने मुझे बताना है, तो W1 में आपको क्या मिलता है, X है, ये मिलेगा आपको cos थीटा, ठीक है, Y कुछ भी नहीं है ज़ीरो, और Z के साथ लगा हुआ है sin थीटा मिलेगा, अच्छा जी। और W2 चूँकि Y है, तो इसमें X जो है वो बेसिकली ज़ीरो, Y1 एंड ज़ीरो। और W3 के अंदर ये जो है आपके पास माइनस X sin थीटा है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस sin थीटा, और z के साथ cos थीटा है ज़ीरो एंड cos थीटा। और यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी x, y एंड z, ये आपके पास ऐसे कहकर मैट्रिक्स जनरेट हो गई। तो ये जो आपने ये आपके पास जो मैट्रिक्स जनरेट हुई जिसमें लिखा हुआ है cos थीटा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस sin थीटा एंड ज़ीरो, तो ये आपके पास हो गई है आपके पास रोटेशन अबाउट y एक्सिस। तो उम्मीद है कि ये रोटेशन अबाउट y एक्सिस भी आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, अब आखिरी काम हम करने वाले हैं, इसको भी ज़रा जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको चूँकि चीज़ें समझ आ रही हैं, तो इस तरीके से पहले तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सेट कर लेते हैं। ये तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, बल्कि मैं ज़रा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर बनाऊँ क्योंकि स्पेस थोड़ा मेरे पास कम है। ये एक फैक्टर हो गया, ये आपके पास एक यहाँ आ गया और एक यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। तो ज़रा मुझे बताइए कि मैंने आपको रूल क्या सिखाया था। रूल ही सिखाया था कि अब आपने z एक्सेस के अबाउट रोटेट करना है, तो z को तो आपने यहाँ पर लिखना है। अब आप z क्या कर रहे हैं, और काउंटर क्लॉक वाइज अगर आप रूल यूज़ करते हैं तो इसे x होना चाहिए, तो ये आपके पास x हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा y, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने ऊपर भी जो है वो z एक्सेस के अबाउट जब रोटेट किया था तो z यहाँ लिखा था, x यहाँ लिखा था y। अब कौन से जो वैक्टर्स हैं जिनको आपने रोटेट करने वाले हैं, तो उनको भी जल्दी से बना लेते हैं। तो ये बन गया आपका वेक्टर, ठीक है, ये आपका वेक्टर आ गया। जो रोटेटेड वेक्टर है वो क्या होगा, ये बना आपका रोटेटेड वेक्टर। अच्छा जी, इनका एंगल डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होने वाले हैं,
ये इनिशियली एंगल फाई पर खड़ा है, और जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये एंगल आपके पास थीटा बन जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको ज़रा इसकी रेजोल्यूशन समझा दें कि ये रेजोल्यूशन कैसे हो रही है। इस तरह आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर रहे हैं, इस तरह आप इसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। ये वही बात है कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप थोड़ा सा हम स्पीड में जब काम कर सकते हैं। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बन गए। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफकोर्स एक्स है और वाई है, तो यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस जो है वो एक्स मिलेगा और ये वाला वाई मिलेगा। तो ये तो चले बहुत आसान है कि एक्स किसके इक्वल होगा। एक्स बराबर होगा आपके पास ये होगा, सॉरी, एक्स बराबर होगा आपके पास आर कॉस फाई के, और वाई किसके इक्वल होगा, वाई इक्वल होगा आर साइन फाई के। और एक्स का जो क्रॉसपॉन्डिंग जो वेक्टर है आपके पास, चले मैं इधर लिख भी देता हूँ, शायद मैं भूल गया हूँ, कि एक्स वाई जी आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पर जो रोटेट आफ्टर रोटेशन W1, W2 एंड W3 आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास x है, तो इट मीन्स W1 क्या हो जाएगा, W1 बराबर होगा r cos theta plus phi, और इसी तरीके से W2 क्या बनेगा, ये बनेगा r sin theta plus phi। चलें जल्दी से इस पर फार्मूला लगा देते हैं। W1 बराबर होगा आपके पास r cos theta cos phi minus r sin theta and sin phi, और यहाँ पर चेक कीजिए कि जो r cos phi है ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, तो इट मींस W1 इक्वल होगा आपके पास x cos theta माइनस ये जो r sin phi है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो ये बन जाएगा y sin theta। सिमिलरली W2 को ज़रा चेक कर लेते हैं, W2 बनेगा आपके पास r sin theta cos phi प्लस r cos theta एंड sin phi। अगेन अगर आप यहाँ पर देखें तो r r r cos phi किसके इक्वल है, r cos phi x के इक्वल है, तो ये जो W2 है ये आपके पास बन जाएगा x sin theta प्लस और r sin phi जो है ये बन जाएगा y, मैं एक एंगल गलत कर दिया है मैंने, sin theta ये phi होगा, तो ये आपके पास होगा phi। ये जो r sin phi है ये y के इक्वल है, तो ये आ जाएगा y cos theta। तो फाइनली अब आप मुझे इसकी जो है ना वो मैट्रिक्स लिखवाने वाले हैं, तो ज़रा जल्दी से मैं इसकी मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, तो अगर समझ आ रही हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और एटलीस्ट यार कमेंट्स तो करने चाहिए। आपके लिए काफ़ी एफर्ट की जाती है एक एक लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, तो एटलीस्ट आप जो है वो लाइक और शेयर और कमेंट्स तो ज़रूर कर सकते हैं इसके ऊपर, तो प्लीज़। तो ये बन जाएगा आपके पास W1, W2 एंड W3 इज़ इक्वल टू, जी जनाब बताइए क्या होगा। तो W1 क्या है आपके पास, अच्छे अब यहाँ पर W3 नहीं दिख रहा, तो कॉमन सी बात है कि जो W3 है वो तो बेसिकली Z के इक्वल होगा। तो यहाँ पर W1 क्या हो जाएगा, W1 के ये हैं, तो इसमें X भी है और Y भी है, तो इट मीन्स ये बनेगा आपके पास cos theta माइनस साइन थीटा एंड ज़ीरो, और वाई है आपके पास जिसके अंदर आपके पास एक्स पार्ट होगा इसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो और जी में से ज़ीरो ज़ीरो वन, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स वाई एंड जी। तो ये आपके पास बन जाएगा आपके पास ज़ीरो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये आपके पास आपको थ्री डायमेंशन के अंदर रोटेशन देगा अबाउट जी एक्सिस। तो उम्मीद है कि तीनों रोटेशन की जो मैथमेटिक्स थी वो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। एक बात मैं और साथ साथ आपके लिए एक्सप्लेन करता चलूँ, एरोडायनामिक्स के अंदर बेसिकली जो एक चीज़ यूज़ होती है जिसे हम एंगल यूज़ होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि जी एक्सिस के अबाउट जब हम उसको रोटेट करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आती, तो वो किस तरीके से नहीं होती। सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास एक एरोप्लेन, और मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या मतलब हो रही है। मिसाल के तौर पर ये है आपके पास, ये मैं एक एरोप्लेन, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है बट ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। ये ऐसे कर आपने सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास एक एरोप्लेन,
ठीक है। अब ये एरोप्लेन पर अगर आप नोट करें तो तीन डिफरेंट एक्सेस पर काम कर रहा होता है। ये एरोप्लेन है आपके पास, ये इसके विंग है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तीन डिफरेंट एक्सेस पर काम है। मिसाल के तौर पर ये जो वाई एक्सेस है, ये जो वाई एक्सेस है, इस एक्सेस को हम कहते हैं रोल, इसका ख़ास नाम इसे कहते हैं रोल, ROLL रोल, ठीक है जी। यानी जो हम जो आपका वाई एक्सेस होता है, इसी तरीके से जो आपके पास ये जो एक्स एक्सेस वाला पार्ट है, इसे ये एक्स एक्सेस होता है, इसे हम कहते हैं पिच, पिच, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये जो जी एक्सेस वाला पार्ट है हमारे पास, ये कहलाता है यॉ, ठीक है जी। तो ज़रा आपने इन बातों को ध्यान में रखना है। यानी ये एक तरह से ये वाली रोटेशन है रो, यानी अगर आपका एरोप्लेन जो है वो अगर इस तरीके से घूम रहा हो, ऐसे ऐसे घूम घूम कर आगे बढ़ रहा हो, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगी, बट एक्स और उसमें आएगी, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपका जो एरोप्लेन है वो इस तरह शेक कर रहा हो, ऐसे ऐसे शेक कर रहा हो, तो अगर आप नोट करें तो इसके अंदर जो है वो एक्स चेंज हो रहा होगा, ठीक है। सॉरी, अगर आप ऐसे देखते हैं कि ये, और अगर आपके पास इस तरह रोटेशन परफॉर्म हो रही हो तो उसमें जी चेंज हो रहा होगा आपके पास, यानी यो एंगल चेंज हो रहा होगा आपके पास, ठीक है जी। तो एरोडायनामिक्स में ये तो पॉइंट मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। अगर ये इस तरह रोटेट करता है, या फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेन ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, तो उसमें एक्स वाला पार्ट जो है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पिच, रोल एंड यो एरोडायनामिक्स के अंदर ये वाले एंगल्स कहलाते हैं, जिनको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रोटेशन अभी हमने पढ़ी है, ज़रा जल्दी से हम इसको जो है वो फाइनल, चूँकि वीडियो का थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, तो हम ज़रा जल्दी से इसको हम कर दोबारा लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं, ताकि टेबल आपके पास महफूज रहे। इसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, तो मैं इसको सी सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज़ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, पहले मैंने देखी थी किसमें, अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किस एंगल, विद एंगल, थ्रू एंगल थीटा, थ्रू एंगल थीटा। अच्छा, थोड़ा टाइम सेव करता हूँ मैं, और जल्दी से मैं इस वाली जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैं कहीं कट कर लेता हूँ, और ताकि मुझे बार बार इसको ना लिखना पड़े, इसको कॉपी कर कर यहाँ भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। और इसको अगेन हम यूं ऐसे कर कट करते हैं, और कॉपी करके हम इसको यहाँ भी प्लेस कर लेते हैं, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस हैं, तो ये इसको अब कर लें, अब वाई एक्सिस के लिए कर लें, इसको वाई कर लें, और इसी तरीके से, सॉरी ये तो ठीक है, इसको आप वाई कर लें, ये वाई बन जाएगा आपके पास, और इसी तरीके से इसको जो है वो आप जी कर लें, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर बता रहे हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वो जो मैंने बनाए थे वेक्टर्स, उसको आपके लिए बना देता हूँ। अच्छा, हमारी जो एक्सेस की ओरिएंटेशन थी वो भी आप ज़रा लिख लीजिए, कि एक्स एक्सेस के लिए जो ओरिएंटेशन थी वो क्या थी, कि यहाँ पर हमने एक्स रखना होता था, ये वाई बनता था, ये जी होता था। वाई के लिए यहाँ पर वाई रखना होता था, ये जी बनता था, और ये आपके पास क्या होता था, एक्स होता था। और जी के लिए इसको हम जी लिखते थे, और ये आपका x बन जाता था, और ये आपका y होता था, ठीक है जी। और रोटेट हम किस तरीके से कर रहे थे, ज़रा जल्दी से हम सारी रोटेशंस को एक साथ बना लेते हैं, ये एरो बना लेते हैं, ताकि यहाँ पर आपको ये एक एरो यहाँ बना रहा हूँ, एक एरो यहाँ बना रहा हूँ, एक एरो यहाँ बना रहा हूँ, इसके बाद इसका रोटेशन हम फॉर्म कर लेते हैं, वही काम जो मैंने वहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर ये ज़रा टेबल के फॉर्म में आएगा, तो इसके थ्रू हमें याद रखना आसान होगा। जल्दी से इसको कैप्शन कर लेते हैं हम, कि हमने ये एंगल था आपके पास फाई, ये एंगल है फाई, ये एंगल है फाई, और पर्पल वाला जो एंगल है, ये एंगल था आपके पास थीटा, ये एंगल था आपके पास थीटा, ये एंगल था आपके पास थीटा, और इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पहले से पता है, तो कोऑर्डिनेट्स में नहीं लिख रहा हूँ, ये है एक्स एक्स वाई जी, और ये W1 W2 W3। और फाइनली जो इसकी इक्वेशंस बनी है हमारे पास, हम उनकी इक्वेशंस पर कर लेते हैं, कि इधर x के लिए करते हैं तो ये x होता है, और यहाँ पर W2 जो है वो ऊपर से देख लीजिएगा आप, ये बनता है y cos थीटा माइनस z sin थीटा, और ये जो W3 आपके पास जनरेट होती है ये बन जाती है आपके पास y sin थीटा प्लस z cos थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर
जब आप y के लिए काम करते हैं तो चेक कीजिएगा कि w1 वन यहाँ इक्वल आता है आपके पास किसके, x cos थीटा प्लस z sin थीटा। इसी तरीके से जो w2 है ये इक्वल हो जाता है y के, और w3 जो है ये इक्वल हो जाता है माइनस x sin थीटा प्लस z cos थीटा के। सिमिलरली यहाँ पर ये जो w1 है ये W1 इक्वल हो जाएगा आपके पास x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और ये जो W2 है आपके पास ये इक्वल हो जाएगा x sin थीटा और प्लस y cos थीटा, और सिमिलरली ये जो W3 हमने कैलकुलेट किया था ये z के इक्वल था। अब जल्दी से हम इसकी एक मैट्रिक्स भी फॉर्म कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मैट्रिसेस बना लेते हैं। यहाँ पर ये बन गई है हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की एक शक्ल, इसको इस तरह लिखते हैं ऐसे कर लें जी। तो मुझे आपने यहाँ पर वैल्यूज़ बतानी है, क्या होंगी वैल्यूज़। तो इसके लिए वैल्यू बनी थी 1 0 0, यहाँ पर भी 0 0 आता है। फिर आप यहाँ पर लिखते हैं क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बनता है आपके पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है जी, अब मैं इसी को रीमेक कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और अब इसमें जस्ट नंबर्स को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमने इसको ऐसे मिटा दिया क्योंकि सारे ही नंबर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट चेंज हो रहे होते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा 0, यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ये बन जाएगा 0 1 0, और ये इक्वल होगा आपके पास माइनस साइन थीटा 0 एंड कॉस थीटा। और फाइनली आप इसको बल्कि ऐसे कीजिए कि इसको छोड़ दें, आप इसको अगर कॉपी कर लें तो हम इसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ आकर इसको प्लेस कर लेते हैं, और फाइनली हमारे पास जो आखिरी मैट्रिक्स बन गई है वो भी चलें सभी मिटाना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस सब नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ पर ही आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। तो उम्मीद है कि जो रोटेशन का टॉपिक था आपको डिटेल से समझ आ गया होगा कि रोटेशन की मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो रही है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि तमाम कॉन्सेप्ट को जो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस किया गया है वो आपके समझ आ सकें। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।